लो जी भाई लोग, जान बची सो लाखों पाए। आज इंडिया और यूएस का जो मैच होगा ये न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। हाँ, न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम। अबे क्यों नजाओ नसाओ नौज, अबे मुंह को लकवा क्यों मरवाए हम हैं? वो गोरे हमसे ज़्यादा बेहतर रह गए, वो भी फोर्ब्स वाले। वो पिछली वीडियो में जो इस क्रिकेट स्टेडियम और इसकी पिच से रिलेटेड किया, उसमें मैंने आपको बताया, उन्होंने सीधा लिखा हुआ है न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम। मैंने कहा यार ये ठीक है, हम वहीं लकवा मार के बैठे हुए हैं अपने मुंह को कि भाई वो जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है कोई नसाओ कह रहा है, कोई नासा कह रहा है, कोई कह रहा है एस नहीं, एस के ऊपर जोर नहीं देना। बस जोर नहीं देना, हम जोर लगाने वाले हैं, हैं? हमारी हालतें देखें ना, सेहत है ना, इकोनॉमी है, जोर कहाँ लगाएं भाई हम? हमसे तो क्रिकेट में जोर ना लगे। खैर वो तो चल ही रहा, खैर छोड़ो। ये जनाब जो आज मैच होगा ना यूएस और इंडिया का, जो कि इंशाल्लाह ऊपर वाले की बरकत से करम से टीम इंडिया जीतेगी। कंट्रोल। हाँ, टीम इंडिया जीतेगी। ऑब्वियसली टीम इंडिया फेवरेट है ना, स्ट्रॉन्ग टीम अगेंस्ट अ वीक साइड, तो क्रिकेट की जो इक्वेशन होती है उसमें स्ट्रॉन्ग टीमें जीतती है, तो वो जीतेंगे ठीक है इंशाल्लाह, और हमारे लिए आसानियां करेंगे। तो उसके बाद फिर इस इधर कोई मैच नहीं होगा, ख़त्म है ये ग्राउंड। हाँ हाँ, वो तो पहले ही आपको बता दिया था एक वीडियो में यार, अब वो मुझे याद नहीं कौन सी में, कि वो अमरीकियों ने कहा है कि भैया ये जब तुम लोगों का ये क्रिकेट का ये टंटना ख़त्म होगा ना, तो हम ये डिसमेंटल कर देंगे ये सारा स्टैंड्स ये वो, तो सिर्फ ग्राउंड रह जाएगा, जो ग्राउंड है बीच में पिच रह जाएगी, और ये पता नहीं उसके बाद उसके साथ क्या करते हैं, इसको पब्लिक पार्क बना देंगे, मतलब पब्लिक पार्क तो पहले ही है, वो इसके इर्द गिर्द वो बजरी डालकर, हो सकता है इसको जॉगिंग ट्रैक बना दें, हो सकता है आगे पीछे ये पैचेस हटा कर ग्रास के, क्योंकि ये ग्रास के पैचेस पड़े हुए ना न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, तो इन पैचेस को हटा कर हो सकता है यहाँ पर बेसबॉल की फील्ड बना लें। हाँ, उनका तो वही चल रहा है, या फिर हो सकता है, मैंने आपको बताया कार्निवल्स वगैरह मेले शेले वहाँ पर लगते रहते हैं, हो सकता है वो यहाँ पर कोई सालाना मेला शेला मुनक्किद करवा लें, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा ना उन्होंने यही करना है। इसके अलावा उनकी ज़्यादा वो नहीं है कि हम इसको एज इट इज़ ही क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर रहने देंगे या सारा कुछ। तो 32 मिलियन किस लिए लगाया था फिर? 32 मिलियन किसी और जगह पर लगा लेते भाई, यूएस के अंदर क्रिकेट घुसेड़ने की ज़रूरत क्या थी? एक एसोसिएट नेशन है, उसको पहले अच्छे तरीके से डेवलप कर लेते। पता नहीं क्या आग लगी हुई थी आईसीसी को इधर लेकर आने की, और ऊपर से इस क्रिकेट स्टेडियम ने, इस पिच ने T20 की तारीख के मेरा ख्याल घटिया तरीन मैचेस प्रोड्यूस किए हैं इन टर्म्स ऑफ रन्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। उस पिच का क्या फ़ायदा जिस पिच के ऊपर ना रोहित शर्मा चल पाए, ना विराट कोहली चल पाए, ना रिजवान चल पाए, ना बाबर चल पाए। रिजवान और बाबर चलो ठीक है, अच्छा ना इफ्तखार चाचा चल पाए हैं, चलो वो वैसे ही थोड़ा चलने में उनको थोड़ा दिक्कत का मामला है आजकल उम्र की वजह से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सही ना। मतलब ये ऐसी मनहूस पिच है न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम की कि भाई लोग यहाँ पर अपने इफ्तखार चाचा से फुल टॉसेस नहीं कनेक्ट हुई। भाई ये पिच की नौसत है, इफ्तखार चाचा में प्रॉब्लम नहीं है, पिच की नौसत है ना, वो पिच ने इफ्तखार चाचा को ना अपने वश में कर लिया था ठीक है ना, पिच इफ्तखार चाचा के अंदर घुस गई थी ठीक है। तो जिस तरह पिच बिल्कुल सीधी थी ना, इसी तरह हमारे इफ्तखार चाचा भी बस बिल्कुल सीधे खड़े खड़े शाटे मारने के चक्करों में थे। कहाँ से लगती यार, एक बंदा अपनी सेंस में ही नहीं है, उसका दिमाग तो कंट्रोल कर लिया पिच ने, कहाँ से करता। तो ये लास्ट मैच होगा जनाब इस पिच के ऊपर। इसके बाद जो इस ग्रुप के हैं, ग्रुप ए के दो मैचेस रह जाएंगे यूएस और इंडिया के मैच के बाद, उसमें एक है जनाब यूएस का आयरलैंड के साथ, दूसरा है आयरलैंड का पाकिस्तान के साथ। ये दोनों मैचेस होंगे लॉडरहिल में। अब मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था, लॉडरहिल की पिच जो है ना उसके बारे में कहा जा रहा है कि भैया वो सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग यूएस के अंदर। और अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो दो मैचेस बकाया हैं इसमें क्या स्कोर्स बनते हैं। पहले मैच तो डेफिनेटली यूएस और आयरलैंड का होगा, और उस मैच के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान सुपर एट में जाएगा या नहीं। पाकिस्तान के लिए सुपर एट में जाने की जो इक्वेशन है बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल। यूएस आज भी हारे इंशाल्लाह अगेंस्ट इंडिया, यूएस हारे अगेंस्ट आयरलैंड इंशाल्लाह, पाकिस्तान कनाडा को हराए जो कि उसने हरा दिया है, रिंग रिंग कर ही किया पर चलो हरा तो दिया, और उसके बाद पाकिस्तान हराए आयरलैंड को। तो अब यहाँ पर पॉइंट्स पाकिस्तान और यूएस के बराबर हो जाएंगे,
जो रन रेट में बेहतर होगा वो आगे चला जाएगा इंडिया के साथ सुपर एट में। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान का भी रन रेट है 0.1, यूएस का 0.6। अब यूएस दोनों मैचेस हारेगा तो डेफिनेटली रन रेट नीचे आएगा। पाकिस्तान ने कनाडा को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से तो हराया नहीं कि इनका रन रेट जंप कर जाता। इस विकेट के ऊपर थोड़ा सा था भी मुश्किल, क्योंकि विकेट भी बड़ी अजीब सी है, मैंने आपको बताया। इस विकेट के ऊपर यार देखो ना, मेरा ख्याल है ये अब ये कुछ स्कोर्स तो नहीं है ना, 100, 110, 120, 130, 125, 115, 113, ये अब आप खुद सोचें। और ये बड़ी टीम्स के स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आपको पता लग जाता है ना कि यार नहीं, घटिया पिच है, बहुत गलत एक्सपेरिमेंट किया है। आपने 8 मैचेस कराए हैं इधर, 8 मैचेस। आईसीसी वालों का ना पता नहीं क्या दिमाग, गर्मी तो इधर ज़्यादा है भाई हमारी तरफ, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान इंडिया में, तुम लोगों की तरफ कहाँ से इतनी गर्मी है कि तुम लोग के दिमाग ही पिलपिला गए और तुमने ये डिसीजंस लिए हैं पिच से रिलेटेड। खैर, तो अब पाकिस्तान को सर कनाडा वाला हो गया है, आयरलैंड वाले मैच में चूंकि वो इस ग्रुप का लास्ट मैच होगा तो पाकिस्तान को पता होगा कि हम अगर आयरलैंड को हराना है, हमें यूएस दोनों मैच हार चुका है, अब हमें आयरलैंड को हराना है तो हमें आयरलैंड को किस हिसाब किताब में हराना है, तो फिर उससे पाकिस्तान का चांस बन जाएगा। अगर जैसे कहते हैं एक रिमोटली आप उसे कह लें एक आउटसाइड चांस जिसे कहा जाता है, ये सिनेरियो है। ये खैर ये लास्ट मैच है इधर आज, तो अब लेट्स सी, मैच कुछ टाइम फ्रेम में शुरू हो जाएगा तो करेंगे, क्यों नहीं भाई, इंडिया के लिए चीयर करेंगे, साफ सी बात है, मुंह से बोलते हैं करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे। रोहित भाई छोड़ना मत इन लोगों को, अबे सारी दुनिया में आग लगाई हुई है इन लोगों ने, ये यूएस वालों ने, हाँ हाँ दुनिया को सुकून से नहीं बैठने देते ये, बंजी ठोकना इनकी, इनको पता चले कि कोई टीम आई थी, ये कनाडा और पाकिस्तान को मारने के बाद समझ रहे हैं कि हम बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी सारी अग्रेसिवनेस निकाल के दिखाना इनको है। इनको छोड़ना मत, इनको मार मार के छक्के चौके इनको फावा कर देना, सही बात है, ये क्रिकेट ही खेलने से इनकार कर दें आज के मैच के बाद, एप्लीकेशन दे दें आईसीसी के अंदर, हो गया हमारा बस ठीक है, हमने नहीं जाना सुपर एट के अंदर या ये वो, इनको इस तरह का कूटना, सारी दुनिया में आग लगाई हुई है, अब तुम्हें सुपर एट में भी आने दें, रोहित भाई मत आने देना प्लीज़। और नेबर्स का तो वैसे ही ज़्यादा वो होता है, हाँ तो हम आपके ज़्यादा नेबर्स हैं ना रोहित भाई, क्या हो गया, पड़ोस में रहते हैं हम आपके, ये हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, 40 घरों तक का ही होता है ना, कि चुड़ैल 40 घर छोड़ देती है क्या कहते हैं, हाँ तो इस हिसाब से बस 40 घर तक ही रखें, तो वो उसमें हमारा घर आपके बिल्कुल बाजू में है, तो आपका सबसे पहले आपकी जीत के ऊपर हमारा हक बनता है, तो प्लीज़ सपोर्ट आपको करेंगे हम, ये आप टेंशन ना लेना। आप देखना आज स्टैंड्स में भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो आपकी शर्टें पहन के बैठे होंगे ना रोहित भाई, हम ही होंगे, पहले बता रहा हूँ। चलो बेस्ट ऑफ लक, इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।